why should curd shore substances not be kept in the brass and copper vessel? मतलब जो दही होता है और खट्टे पदार्थ होते हैं नॉट बी कैप्ट इन ब्रास पीतल के बर्तनों में या कॉपर के वेसल में नहीं रखते हैं क्योंकि सोल्ट सब्सटेंसेस जो है वो एसिड कंटेन्स करते हैं और एसिड किससे रिएक्शन कर लेता है ब्रास और कॉपर से रिएक्शन कर लेता है मेटल से रिएक्शन करता है और अपना जो टेस्ट है वो क्या करता है So they are not be kept in brass and copper because they contains acidic they contain acid. लिखना स्टार्ट करिए. देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है. Since curd and sour substances contain acid, so they react with the metal and they change to their order, taste and color. So they cannot be kept in brass and copper. मतलब एसिड कर्ड है या खट्टे सब्सटेंसेस हैं उनमें एसिड रहता है और एसिड जो किससे रिएक्शन कर लेता है मेटल से रिएक्शन करेगा और अपने ऑर्डर टेस्ट और कलर को क्या करेगा चेंज और इसीलिए उसको जो है हम कर्ड को दही को हम या खट्टे सब्सटेंसेस को ब्रास और वेसल कॉपर वेसल में नहीं रखते क्वेश्चन व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसी एसिड का जो है एक्वस सॉल्यूशन मतलब जल में मिले एसिड को वाटर में डिसॉल्व करो तो वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है और उसमें करंट क्यों फ्लो हो जाता है तो किसी भी सॉल्यूशन में करंट तब फ्लो होगा जब उसके अंदर आयंस होंगे पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव और जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो आपको पॉजिटिव आयन भी देता है प्रोटॉन और नेगेटिव आयन भी देता है इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने लगता है कंडक्ट करने लगता है समझा रहा सभी को देखिए फॉर कंडक्टिंग टू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एनी सॉल्यूशन आयंस विल बी रिक्वायर्ड रिएक्शन में आयन की क्या होगी जरूरत होगी एंड व्हेन द एसिड एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन इट गिव्स पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस और उसके अंदर दोनों आयन जब आ जाते हैं सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा कंडक्ट करेगा समझा क्या सभी को क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों पैक करके रखते हैं बिकॉज ऑफ अगर इसको मॉइस्चर कंटेनर मतलब अगर इसको ऐसे कंटेनर में रखें जहां पर मॉइस्चर जाती हो तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस उस मॉइस्चर को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं आ रही बात समझ में सॉलिड हो जाएगा पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उस स्थिति में जो है वो हमारे काम का नहीं रहेगा और इसीलिए हम उसको जब भी पैक करके रखेंगे कैसे मॉइस्चर्ड प्रूफ कंटेनर के अंदर पैक करके रखें ठीक से समझ आ रहा है तो इसका आंसर ऐसा आना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस की या क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर्ड कंटेनर ठीक है इट एब्जॉर्ब कर लेता है टू द मॉइस्चर एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू द जिप्सम वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किसी काम का नहीं रहेगा सो इट इज ऑलवेज कैप्ड इट शुड बी कैप्ड इन मॉइस्चर्ड प्रूफ कंटेनर इसको मॉइस्चर्ड प्रूफ कंटेनर में हमको रखना चाहिए ठीक है बिकॉज इफ इट इज कैप्ड इन मॉइस्चर्ड प्लेस Container that it absorbs to moisture and it gets converted into the gypsum. Solidifier. आराम से आंसर समझे? ये पानी को absorb करेगा, moisture को absorb करेगा और ये किसमें convert हो जाएगा? Gypsum में convert हो जाएगा. Plaster of Paris फिर नहीं बचेगा. Container. कर दिया हम? Moisture proof container. ठीक है मैंने क्या लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस इफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस कैप्ड इन मॉइस्चर्ड एटमॉस्फेयर देन इट एब्जॉर्ब्स टू मॉइस्चर एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द प्लास्टर ऑफ सॉरी जिप्सम इट कन्वर्ट हो जाएगा सो इट इज नॉट कैप इट इज ऑलवेज कैप इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द मॉइस्चर्ड प्रूफ कंटेनर चलिए रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं देखिएगा यहां पर मैंने पीओपी लिया पीओपी का फॉर्मूला है मालूम है आपको कैल्शियम सल्फेट
and hold twice or S2. This is the plaster of Paris. Plaster of Paris. अब यहाँ पर क्या लिख लें? मॉइस्चर. अब जैसे मॉइस्चर मतलब पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देखें, CaSO4 एन प्लस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा .2S2. समझ में आ रहा सभी को? ये वापस क्या बन गया? जिप्सम बन गया. देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, व्हाट इज द क्लोरो एल्कली रिएक्शन. तो मैंने आपको नेल्सन सेल मेथड बताई है, आपको बड़ी क्लासेस में इसको नेल्सन सेल मेथड के नाम से जानते हैं. मैंने आपको कहा कि सोडियम क्लोराइड नमक ले लो और नमक को पानी में घोलोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा नमक का, जिसको ब्राइन कहते हो. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन. ब्राइन के अंदर करंट फ्लो कर दो तो तीन प्रोडक्ट बनने वाले हैं. एक तो बनेगा NaOH एल्कली कंपाउंड, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा हाइड्रोजन गैस. तो क्लोरीन वहां बनता है तो क्लोर कहते हैं हम, और एल्कली कंपाउंड NaOH भी बनता है इसीलिए उसको क्लोर एल्कली रिएक्शन कहते हैं. एक प्रोडक्ट और भी बनता है जिसको हाइड्रोजन गैस. तो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोन थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको ब्राइन कहते हो आप, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl खाने के नमक पानी में घोल दो ब्राइन मिलेगा. व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोन थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द NaCl, जिसको ब्राइन कहते हो, देन देयर आर थ्री प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड एल्कली कंपाउंड NaOH. दिस रिएक्शन इज नोन एज द क्लोर एल्कली रिएक्शन. आ रहा समझ में सभी को? ठीक है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, when electricity is flowed through the aqueous solution of NaOH, sorry, NaCl, NaCl के नमक के पानी में जो solution है, उसको brine कहते हो, उसमें electricity flow करते हो. There are three products are formed. तीन product बनते हैं उससे. Hydrogen gas, chlorine gas, alkali compound NaOH, sodium hydroxide जिसको कहते हो. So this reaction is known as the chlor-alkali reaction. Very very most important reaction थी. मैं लिख के दिखा रहा हूँ. बंद कर दीजिए. देखिएगा व्हाट इज मीन बाय क्लोरोएल्कली रिएक्शन. क्लोरोएल्कली रिएक्शन क्या होता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मतलब पानी ने इसको नमक को घोल दिया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो थ्री प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और एल्कली कंपाउंड NaOH. तो यहां पर क्लोरो भी बन रहा है, क्लोरीन गैस भी बन रही है और एल्कली कंपाउंड NaOH भी बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड. इस रिएक्शन का नाम है क्लोरोएल्कली रिएक्शन. क्लोर और एल्कली रिएक्शन एल्कली कंपाउंड के लिए. नहीं आ रही बात समझ में? एल्कली कंपाउंड को बोला क्योंकि OH हो गया. तो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज कॉल्ड ब्राइन, देन देयर आर थ्री प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड एल्कली कंपाउंड NaOH. दिस रिएक्शन इज नोन एज द क्लोर एल्कली रिएक्शन. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, देखिए राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड यूज ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम NaCO3, जिसे सोडियम बायकार्बोनेट भी कहते हैं, मतलब सोडियम बायकार्बोनेट भी कह सकते हैं आप इसको. और इसका यूज जो है पहले तो एंटा एसिड के रूप में करते हैं, इट इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड. पेट में जो है एसिडिटी बढ़ जाती है तो एक बेसिक मीडियम की तरह काम करता है, और जब इसको पीते हैं आप तो एसिडिटी को क्या करता है, खत्म करता है और अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड बन गया है और उसको क्या करता है, न्यूट्रल करेगा. तो एंटा एसिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसका आग बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे ही ये डिकम्पोज होगा तो यहाँ से कौन सी गैस निकालेगा, ये CO2 गैस रिलीज होगा और CO2 गैस रिलीज करेगा तो CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में इस्तेमाल होती है, मतलब आग बुझाने के काम में आती है. तो उसको नहीं समझना आ रहा, नहीं आ रहा है, चल मत कर दीजिए.